जी आप? वो मुझे थोड़ी प्यास लगी थी, पानी मिलेगा क्या? जी क्यों नहीं। वैसे देखने में तो तुम पढ़े लिखे लगते हो, फिर ग्रेजुएशन कर रहा हूँ आरडी कॉलेज से। तुम्हारी चाची तुमसे बहुत काम करवाती है ना? आप जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। हेलो, संध्या कहाँ रह गई, आई नहीं अभी तक? अरे उसे प्यास लगी थी, वो प्यास बुझाने गई है। तू भी ना। वैसे मैंने सुना है तुम कुकिंग बहुत अच्छी कर लेते हो, थोड़ा हमें भी कुछ बनाना सिखाओ ना, और हम भी तुम्हें बहुत कुछ सिखा सकते हैं। देखिए प्लीज प्लीज, क्या कर रही है? बट गए, कहाँ रह गई? आजा जल्दी। हाँ आ रही हूँ। पसीना पोंछ लेना। आजा बेटा विजय। खुश रहो खुश रहो। आजा बैठे आराम से। अरे निधि इसके लिए जरा चाय पानी का बंदोबस्त करना। अच्छा सुनिए। हाँ। जरा बात करनी है आपसे, अंदर आइए। अच्छा चलो मैं आता हूँ, मैं एक मिनट में आता हूँ। मैंने आपको कितना समझाया था उस दिन, फिर भी आप उसे यहाँ ले आए। अरे निधि कुछ ही महीनों की तो बात है, बस एक बार उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए फिर वो यहाँ से चला जाएगा, कहीं नौकरी वोकरी कर लेगा। देखो मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ कि उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए कैसे भी करके, और वैसे भी तुम घर में अकेली ही रहती हो तो तुम्हारे घर के काम काजों में तुम्हारी मदद कर देगा। मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन उसका ग्रेजुएशन पूरा होने तक ही, उसके बाद आप खुद ही उसे यहाँ से जाने के लिए कहोगे, समझे? हाँ बाबा सब समझ गया, और मैं उसे भी समझा दूंगा। अब बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को लेकर आओ, वो भी बेचारा भूखा होगा। जाओ। अरे विजय चल फ्रेश हो जा। चाचा जी मुझे लगता है कि मैं आप पर बोझ ना बन जाऊं, मैं काम करता हूँ मैं यहाँ से चला जाता हूँ। बेटा तू ये कैसी बातें कर रहा है, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, तू बस अपनी पढ़ाई में ध्यान दे। हाँ और बाकी रही बात तेरी चाची की, उसको इतने सालों से मैं झेल रहा हूँ, कुछ महीनों के लिए तू भी झेल ले। हाँ और हाँ अपनी चाची को घर के कामों में कुछ मदद कर देना, ठीक है? चल अभी फ्रेश हो जा और खाना खाते हैं, आ जा। Thank you.
अरे विजय सुन। जी चाची। आज किटी पार्टी है घर में, तो मेरी कुछ सहेलियां आने वाली है, तो तुम मार्केट से कोल्ड ड्रिंक, चिप्स और कुछ नमकीन और नाश्ते की चीजें लेके आना। और एक बात, जो मेरी सहेलियां आने वाली है ना, तो उनका अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है? अरे यार, मेरा तो पैक यार, आज का तो दिन ही बुरा है, मैं तो हारती चली जा रही हूँ। अरे संध्या, अभी तो गेम स्टार्ट हुई है और तुम अभी से ही परेशान होने लगे। संध्या, ये कौन है? ये मेरा भतीजा है विजय। आज का डिनर इसी ने बनाया है। चिकन तो बहुत लाजवाब बनाता है, कभी खाना होगा तो बताना। अरे जब तुम इतनी तारीफ कर रही हो तो टेस्ट तो जरूर करेंगे। विजय, पकौड़े कहाँ है? पकौड़े नहीं बनाए तुमने? चाची जी, दिमाग से निकल गया, मैं अभी जाता हूँ और मैं पकौड़े बना के लाता हूँ। भूल गए? सारा मजाक खराब कर दिया। जाओ जाके जल्दी पकौड़े बनाओ जी। अरे छोड़ ना निधि, चलो चलो चाची। यूज़लेस। हाँ पते बाटो। अरे यार, अभी भी वही पत्ते आए हैं, बकवास। मेरा तो पैक है। अच्छा तुम लोग फिर से पत्ते बांटो, मैं जरा वॉशरूम होके आती हूँ। ठीक है। कोल्ड ड्रिंक ना। आप? वो मुझे थोड़ी प्यास लगी थी, पानी मिलेगा क्या? जी क्यों नहीं। ये लीजिए। वैसे देखने में तो तुम पढ़े लिखे लगते हो, फिर? ग्रेजुएशन कर रहा हूँ आरडी कॉलेज से। तुम्हारी चाची तुमसे बहुत काम करवाती है ना? जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। अरे संध्या कहाँ रह गई, आई नहीं अभी तक? अरे उसे प्यास लगी थी, वो प्यास बुझाने गई है। तू भी ना। वैसे मैंने सुना है तुम कुकिंग बहुत अच्छी कर लेते हो, थोड़ा हमें भी कुछ बनाना सिखाओ ना।
पापा हम भी तुम्हें बहुत कुछ सिखा सकते हैं। देखिए प्लीज प्लीज क्या कर रही हूँ। गए कहाँ रह गई? आ जाओ जल्दी। हाँ आ रही हूँ। पसीना पोंछ लेना। पता नहीं कहाँ रह गई थी। निधि। हाँ बोलो। वो मेरे गांव से ना आम आए हुए हैं, तो तुम विजय को भेज के कल मंगवा लेना। अरे नेकी और पूछ कल ही विजय को भेजती हूँ। दोस्तों हम सबके जीवन में कभी ना कभी किसी ना किसी प्रकार का लालच हम सबके मन में जरूर आता है। किसी को दौलत का लालच, किसी को शोहरत का लालच, किसी को कामयाबी का लालच और किसी को किसी के जीवन बर्बाद करने का लालच। दोस्तों यकीन मानिए, इस लालच के प्रभाव में आकर किया गया किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य सिर्फ और सिर्फ अपराध को जन्म देता है। हमारी आज की कहानी भी एक ऐसी ही कहानी है, एक लालच की कहानी। आइए देखते हैं। हाँ डोंट वरी, आई विल बी ऑन टाइम। अरे मिस्टर ओबेरॉय, मैं 2-3 दिन के लिए आपके साथ ही रहने वाला हूँ। हाँ ओके। संध्या मेरा बैग लाना। कितने दिनों के लिए जा रहे हो? क्यों, मेरे पीछे किसी यार को बुलाने वाली हो क्या? क्या बकवास कर रहे हो? पर इतने बड़े घर में मैं अकेली रहती हूँ, तुम जा रहे हो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैंने सिर्फ इसलिए पूछा। पर तुम्हारी तो आदत है बकवास करने की, कर क्या सकते हैं। बाय। और सुनो, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मुझे पता था तुम्हें हमेशा पैसों की जरूरत रहती है। क्रेडिट कार्ड सेफ में रखा हुआ है, यूज कर लेना। और हां एक बात और, मेरी पीठ पीछे ना अगर तुमने अपने किसी यार को बुलाया ना तो तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। गॉट इट? संध्या बोलो। हाँ निधि, तूने विजय को आम लेने भेजा नहीं? क्या गया नहीं विजय? नहीं। अच्छा तुम रुको, मैं अभी भेजती हूँ उसको। हाँ थोड़ा जल्दी भेजना, मुझे और भी काम है। ओके। विजय। जी चाची। तुम्हें संध्या के घर आम लेने के लिए भेजा था ना, तुम गए नहीं अभी तक? वो चाची जी, मैं क्या कह रहा था कि वहां जाना जरूरी है क्या? नहीं मतलब सोच रहा था कि थोड़ा पढ़ाई कर लेता। हाँ जरूरी है, और तू ज्यादा बहाने मत बनाया कर काम के लिए, समझे? जाओ अभी आम लेके आओ।